नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं एक घर में, यहाँ दिलबाग सिंह जी हमारे साथ है। इन्होंने कुछ एक मामला भी उजागर किया है, उसका FIR पुलिस में दर्ज करवाया है। काफ़ी बड़ा मामला है ये, प्राइमरी ऐसा दिखाई दे रहा है। पुलिस की अपनी जाँच शुरू है। 3 आरोपी इस समय पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी से आगे बढ़कर जुडिशियल कस्टडी में भी वो जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से वो अरेस्ट है। मामला कुछ ऐसा है कि महाड़ा का नाम इस्तेमाल कर लोगों के साथ फंसाने का, लूट करने का, खुद इनके साथ लगभग 1 करोड़ से अधिक की लूट हो चुकी है और इसी मामले में इन्होंने FIR दर्ज करवाई है। तो जानते हैं इनसे सीधा। दिलबाग सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार दिलबाग सिंह जी, अपना परिचय दीजिए पूरा, आपका नाम। मेरा नाम है दिलबाग सिंह और मैं इधर साई गार्डन वसई वेस्ट में रहता हूँ और साथ में मेरी पत्नी है इंद्रजीत कौर। आपने कुछ FIR एक पुलिस में कंप्लेन किया है कि महाड़ा के नाम पर आपसे लूट हुई है, क्या मामला बताइए। देखिए, मैं ना शिप पे काम करता हूँ और हमारे पड़ोसी हैं मिस्टर अतुल मेहता और इनका हमारा फैमिली रिलेशन काफ़ी पुराना है। 2004 से हम इनको अच्छी तरह से परिवार के साथ जानते हैं, तो दो इतना अच्छा रिलेशन था, तो मतलब फैमिली जैसे व्यवहार था। तो 2014 की बात है कि अभी हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो हमने ऐसी जिक्र किया था कि एक बम्बई में भी फ्लैट होना चाहिए, इनकी एजुकेशन आगे पढ़ाई में और आगे जॉब में इनको आराम हो जाएगा। तो ऐसी बात फैमिली में जो नॉर्मल उठते बैठते बात करते हैं वो किया था। तो 2015 के जनवरी फरवरी में, जबकि मैं शिप में था, तो ये एक प्रपोज़ल लेके आए, वो भी मेरी वाइफ के साथ। तो उन्होंने बोला कि मैं महाड़ा में फ़्लैट ले रहा हूँ और मैंने 2 फ्लैट के लिए बात कर ली है, उनका कोई महाड़ा में कोई उच्च अधिकारी महेश जावकर के नाम पे उनकी पहचान हुई है और वो बोलते हैं पक्का काम करके देंगे। तो ये इन्होंने पक्का विश्वास किया था, तो हमको दिलाया कि पक्का काम। मेरी वाइफ ने पहले थोड़ा मना किया कि हमारा फ्लैट और प्रॉपर्टी में इतना हमारा वो प्रॉस्परस नहीं होता, तो इसने हमको पूरा 100% जैसा गारंटी का भरोसा दिया कि मैं इस बार मैं काम कर रहा हूँ और पक्का काम होएगा। तो और उसके विश्वास पे फिर उस टाइम मैं शिप में था, मेरे से भी बात कराई, वाइफ से ही बात कराई, फिर इन्होंने बोला कि वो फ्लैट का कुछ वैल्यू है। पवई में बताया था कि हाई इनकम ग्रुप के जो फ्लैट हैं माड़ा में, पवई तुंगा बिल्डिंग का नाम था, तो उसकी कुछ वैल्यूएशन 85 लाख की थी। तो उन्होंने बताया था कि उसमें 36% का जो पैसा है जो आपके नाम पे चढ़ जाएगा तब आपको देना पड़ेगा, उससे पहले बाकी जो वैल्यूएशन है वो ब्लैक का पैसा पहले कैश में देना पड़ेगा, उसके बाद में ही। आपको मैं बीच में रोक टोक रहा हूँ, ब्लैक का आपने नाम लिया, मतलब ब्लैक यानी उन्होंने वो जो आपसे ट्रांजेक्शन किया है वो बिना बैंक की किया है। हाँ जी, वो उन्होंने कैश लिया, हमने खुद पैसा निकाल के बैंक से और उनके घर में पहुँचाया। लेकिन गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट है, महाड़ा एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में ब्लैक का कोई सवाल ही नहीं होता, तो आपको कहीं पे ये क्लिक नहीं हुआ? ये तो ऐसी बात थी कि देखो, हमारे पे अतुल मेहता का इतना विश्वास था तो हमको लग रहा था कि ये काम ऐसा गलत नहीं करेंगे और ये सही ढंग से करेंगे, तो हमको इनको इतना विश्वास था, तो हमने खुद भी इतनी बारीकी से जान पड़ताल नहीं की। तो आपको कब महसूस हुआ कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और आपने कुल कितना पैसा दिया? हमारा अभी तक कुल पैसा 1,04,00,000 के करीब जा चुका है और 2015 से हमने ये पैसा देना शुरू किया और बीच में क्या हो गया कि वो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में हमको इन्होंने प्रॉमिस किया था, वो बिल्डिंग उस टाइम बन रही थी, बाद में बनने के बाद में उनको हमको बताया गया कि ये कोस्ट गार्ड को अलॉट हो गई है, तो अभी आपको दूसरी बिल्डिंग में प्लेस करेंगे। तब तक ये 4-5 साल हो गए, बीच में कोविड आ गया, फिर 2021 जून से इनका ऑफिशियली मेल मेरे मेल पे आना शुरू हो गया। उससे पहले जो भी पैसे का व्यवहार और पेपर का जो भी व्यवहार था वो अतुल मेहता ही करते थे, हमारे से बात ले जाते थे पैसा और वहाँ से पेपर हमको ला के दे देते थे। 8 साल करीब हो गया, 2014 से 2023, 7 से 8 साल, इसमें आपको कब भनक लगी कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और क्यों आपको इससे पहले भनक नहीं लगी, आपने अपना 1 करोड़ रुपया किसी ऐसे को दे दिया जो चीट कर रहा है?
मैंने आपको पहले ही बताया ना, हमने थोड़े हमारे से ये गलती होगी कि हमने अतुल मेहता से बहुत बड़ा विश्वास किया कि हमको नहीं लग रहा था कि हमारे साथ ऐसा धोखा होएगा, तो इसलिए हमारे जब हमारे पूरे पैसे चले गए और फिर भी काम नहीं हो रहा है और हमको ये बताया जा रहा है कि कल हो जाएगा ऐसे करते 100% हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने खुद अपने अपने हाथ में जान पड़ताल करने की कोशिश की, तो और मैं फिर म्हाड़ा दफ्तर में किसी एक हमारे सोशल वर्कर के थ्रू वहाँ गया, तब हमको पता लगा कि हमारे नाम पर तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो फिर आपने पैसा किस आधार पर दिया, क्या डॉक्यूमेंट आपको तब दिखाए गए थे, क्या था? मेरे सामने ये फाइल पड़ी हुई है, इसमें सारे म्हाड़ा के पेपर है, इसको देख के किसी को भी विश्वास हो जाएगा कि हमारा काम जो है म्हाड़ा में सही चल रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि ये बोगस पेपर तैयार किए गए थे? हाँ, ये बोगस पेपर तैयार करके हमारे पास लाए गए थे और बकायदा इसमें सब लिखा हुआ था कि आपका नाम आ गया, लॉटरी में आ गया है, उसके बाद में आगे की कार्रवाई कैसे करनी है, आपको बायोमेट्रिक करना है, ये सब हमको मेल में भी आता था और फ़ोन पर भी हमको बताया जाता था। आपने जो अभी फ़िलहाल जो स्टेज है, आप पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस में आपने FIR किया, पुलिस में कंप्लेन किया, उसका क्या है जरा बताइए। हमने ये सब करने के बाद में जब पुलिस में हमको रिपोर्ट किया तो पुलिस ने हमारी काफ़ी मदद की और उन्होंने हमारी हेल्प करने पे ये तीनों आरोपियों को क्राइम डिपार्टमेंट जो वसई में है उन्होंने उनको ला के पुलिस कस्टडी में ले आए उनको, और अभी फ़िलहाल वो जुडिशल कस्टडी में है। आपको क्या लगता है ये मामला कहाँ तक सीमित है? आप ही एक अकेले इसके प्रभावित हो सकते हैं कि और ज़्यादा हो सकते हैं? पुलिस को अपना जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि हमारे जैसे और भी बहुत सारे ऐसे इनोसेंट लोग होंगे जिनके साथ में धोखा हुआ रहेगा। मुझे ये लगता है कि ये पुलिस को और इससे बड़ी जान मतलब ऊपर जाके कहीं और बड़ी जान पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें और भी बहुत लोगों को जिनको अभी तक जानकारी भी नहीं है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इनोसेंट पब्लिक होएगी। तो ये हम बात कर रहे थे दिलबाग जी से, इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने इनको फंसाया और उसके बहकावे में आकर अब यहाँ हम अभी ये वीडियो बना रहे, इसके पहले कुछ देर तक हमने पेपर्स देखे, उनसे बातचीत की, तब हमें भी काफ़ी शौक लगा जो एक 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 पेपर यहाँ पर रखे गए हैं उसमें बाकायदा म्हाड़ा का अपना मोहर यूज़ किया गया है, म्हाड़ा का लेटर हेड यूज़ किया गया है, यानी कि इन पेपर को देख के आम आदमी को, इस साधारण आदमी ये नहीं बोल सकता है कि ये म्हाड़ा के पेपर नहीं होंगे। हालांकि प्रोसीजर में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इन्होंने भी से बताया, प्रोसीजर लॉटरी निकला, ये निकला, उन्होंने बताया गया, उसमें काफ़ी चीज़ें थी जहाँ एक क्लिक हो सकता था, लेकिन क्या है हर आम आदमी को हर चीज़ें नहीं मालूम है, जिनको मालूम है वही मालूम है। अब फिलहाल इस मामले में जैसा मैंने भी बताया कि पुलिस अपना काम कर रही है, तीन आरोपी ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में और जुरिडिशन कस्टडी में जा चुके हैं और मामला अभी फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन ये मामला जिस तरह से अभी सामने आया और जिस तरह से यहाँ पेपर देखने पर ये प्राइमरी लग रहा है कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा यहाँ पेपर में हो दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत काफ़ी लोग इससे प्रभावित होंगे, लेकिन अंदर तक काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार भी है। कोई ना कहीं इसे ऐसे डॉक्यूमेंट या तो लीक किए जा रहे हैं या तो कुछ ऐसा है, इसका जांच का दायरा है, लोकल पुलिस स्टेशन जांच कर रहा है, उसकी लोकल पुलिस स्टेशन की अपनी जांच अपनी जगह पे है, लेकिन यह जांच शायद CID या CBI या ED के मार्फत हो, ऐसा इस मामले में भी फिलहाल दिखाई दे रहा है। सिर्फ अकेले इनका ही 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन है, इस हिसाब से अगर इस मामले में और भी ज़्यादा लोग शामिल होते तो ये कई करोड़ों में जा सकता है। तो फिलहाल इस मामले में हम पुलिस से भी पूछेंगे कि पुलिस का क्या कुछ कहना है, और उनकी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टेबल है, लेकिन क्या आगे निकल के आया वो देखना पड़ेगा। आज के लिए फ़िलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, ये मामला काफ़ी गंभीर है और काफ़ी बड़ा है, इसके लिए सीरीज में अगर आगे कभी लगा तो हम अगली अपनी वीडियो जरूर जारी करेंगे, वो आप जरूर देखना। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786